पीरू एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है डियर। बात करेंगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सीटेट सर्टिफिकेट्स को कहीं ना कहीं इनवैलिड किया गया है। झारखंड की नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर इसको लेकर के मामला माननीय रांची हाई कोर्ट जा पहुंचा है। पूरी तरीके से आपको रूबरू करवाएंगे, आखिरकार मैटर क्या है, क्या सीटेट अब प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर नहीं लिया जाएगा, पूरी तरीके से बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर जैसा कि आप जानते हैं कि झारखंड राज्य सरकार के द्वारा 26,000 पदों पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है, लेकिन उस विज्ञापन में दो बातें मेंशन की गई हैं। एक ये सबसे बड़ी बात जो मेंशन है वो ये की गई है कि जो 2016 में जेटेट का आयोजन हुआ था और जो अभ्यर्थी जेटेट पास हैं सिर्फ वही अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए पात्र रखे गए हैं और सीटेट को उन्होंने पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया है झारखंड की सरकार ने। लेकिन वहां पर हुआ यह है कि सीटेट पास जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने मामले को रांची हाई कोर्ट तक पहुंचा दिया और आप देख सकती हैं स्क्रीन पर लगा हुआ है। कोर्ट ने पूछा है कि शिक्षक भर्ती में सीटेट पास को मौका या नहीं, आप देख सकते हैं। आइए आपको समझाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है झारखंड हाई कोर्ट में मंगलवार को सीटेट पास अभ्यर्थियों को जेटेट की तरह मान्यता देने संबंधी मामले में दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में झारखंड सरकार के द्वारा शिक्षक नियुक्ति में भाग लेने की अनुमति देने और शीघ्र जेटेट की परीक्षा लेने की मांग की गई है। जैसा कि डियर आप जानते हैं कि मामला ये हुआ है कि जेटेट का जो एग्जाम है वो झारखंड में 2016 से हुआ था। 2016 के बाद सरकार के सामने पता नहीं कितनी व्यवस्था आई कि वो आज तक जेटेट का एग्जाम नहीं कंडक्ट करवा पा रही है और उन्होंने सीटेट को इनवैलिड कर दिया है, पहला रीजन। अब दूसरा, जेटेट पास अभ्यर्थियों की संख्या निश्चित तौर पर कम है क्योंकि 16 से आज तक जेटेट का आयोजन नहीं हुआ और सीटेट को लिया नहीं जा रहा है, तो जो पहले के बचे अभ्यर्थी हैं सिर्फ वही शिक्षक भर्ती के लिए पात्र हो रहे हैं और इसलिए जो सीटेट पास अभ्यर्थी हैं अन्य राज्यों के या झारखंड राज्य के उन्होंने मामले को माननीय हाईकोर्ट की दहलीज पर खड़ा कर दिया है। हालांकि हाईकोर्ट ने इस मामले पर एक सुनवाई हो चुकी है और एक अगली सुनवाई के लिए हाईकोर्ट ने 18 अगस्त की जो नई तारीख है वो मुकम्मल कर दी है। फिलहाल मैं आपको बता दूं मामला काफी पेचीदा है और अंततः मैं बता दूं सीटेट अभ्यर्थियों की जीत निश्चित तौर पर होगी और प्राथमिक में सीटेट को वायलेट करना पड़ेगा झारखंड हाई कोर्ट को, क्योंकि आप जानते हैं जो एनसीटी की गाइडलाइन है वहां पर साफ साफ मेंशन है कि प्रत्येक राज्य को प्रति वर्ष कम से कम 2 बार अपने यहाँ पात्रता परीक्षा का आयोजन कराना चाहिए। अगर वो कराने में असमर्थ है तो फिर सीटेट को जो कि केंद्र की पात्रता परीक्षा है उसको शिक्षक भर्ती में मान्य किया जाना चाहिए। ये दोनों ही बातें यहाँ पर झारखंड में पूरी तरीके से विफल हो रही हैं। पहली बात, झारखंड सरकार अपने यहाँ जेटेट का आयोजन 2016 से नहीं करवा पा रही है और दूसरी बात वो कहीं ना कहीं जो सीटेट है केंद्रीय पात्रता परीक्षा उसको भी इनवैलिड कर रही है। मामला माननीय कोर्ट में चैलेंजिंग है, 18 अगस्त को इसकी सुनवाई होगी। लेकिन मैं आपको बता दूं अभ्यर्थियों को इस तरीके से मोल्ड करने का प्रयास झारखंड की सरकार कर रही है कि इन अभ्यर्थियों को जेटेट 2016 के आधार पर भर्ती प्रक्रिया में बढ़ने दीजिए, हम आपको जल्द से जल्द जेटेट और सीटेट अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी भर्ती का विज्ञापन जारी करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं सरकारें आश्वासन बहुत देती हैं और अभ्यर्थी पूरी तरीके से जाग चुके हैं, क्योंकि किसी भी राज्य का आप उदाहरण ले लीजिए। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की तो जब 69,000 शिक्षक भर्ती आई थी उत्तर प्रदेश में तब 2017 बैच के बीएलएड यानी कि बीटीसी के अभ्यर्थियों ने भी यही मांग की थी कि सर हमें इस भर्ती परीक्षा में बैठने का मौका दीजिए, लेकिन उन्होंने ये कह दिया था कि 17 के बाद अभी और भर्ती आएंगी, आपको आगे की भर्तियों में कहीं ना कहीं हम बैलेट करवाएंगे। लेकिन 17 के बाद 23 चल रहा समाप्त होने की कगार पर 5 साल से ज्यादा का समय हो गया और उत्तर प्रदेश में कोई भर्ती नहीं आई। इसी तरीके से झारखंड के भी अभ्यर्थी पूरी तरीके से सचेत हैं कि फिर झारखंड राज्य में प्राथमिक शिक्षक भर्तियां भी नहीं आ पाएंगी, इसलिए हमें यहीं पर मौका दीजिए। और सरकार की नाकामी यही है कि जेटेट का आयोजन 2016 से नहीं करवा पा रही है और सीटेट सर्टिफिकेट जो कि केंद्र की पात्रता परीक्षा है एनसीटी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग वो खरी नहीं उतर रही है। मामला कोर्ट में है और कोर्ट से निश्चित तौर पर सीटेट अभ्यर्थियों की जीत आज नहीं तो कल होगी, तो आप लोग परेशान ना होइए। जो साथी हमारे सीटेट के पास हैं झारखंड की शिक्षक भर्ती के लिए उनको आज नहीं तो कल पूरी तरीके से शिक्षक भर्ती के लिए पात्र रांची हाई कोर्ट के द्वारा किया जाएगा, ये निश्चित तौर पर आप मान लीजिए। फिर मिलेंगे एक और अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। कोई सवाल रह गया है कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा, फिर मिलेंगे। थैंक यू।